आज है सातवां मोहर्रम और सातवें मोहर्रम को हम हर साल शरबत बांटते हैं। तो ये आ गए अभी इस टाइम हमारे बादाम और पिस्ता दोनों। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो मेरे भाई आज का जो सीन है ना, वो सीन कुछ ऐसा है कि अभी चल रहे हैं मुहर्रम और आज है सातवां मुहर्रम और सातवें मुहर्रम को हम हर साल शरबत बांटते हैं। तो इस साल भी हमने शरबत बांटना है, लेकिन उससे पहले हमें काफ़ी सारे काम करना है आज, क्योंकि शरबत बांटने के लिए हमें सबसे पहले दूध लेके आना है, बादाम पिस्ता ये वो फलाना सब कुछ लेके आना है। तो यानी कि आज काम है ज़्यादा और असर के बाद जो है वो शरबत भी बांटना है। तो सबसे पहले अभी जाना है दूध लेने, क्योंकि यार दुकानों पे दूध ही नहीं मिलता। अब हम जी लेने जाए भाई, 20 किलो देते, 15 किलो देते, 10 किलो तो कुछ देते ही नहीं, कहता नहीं 2 किलो 3 किलो। सबसे बड़ी पंचायत ये कि दूध के लिए हमें आगे पीछे बहुत भागना पड़ेगा। अल्लाह करे 2-3 करीब की दुकानों में मिल जाए, वरना हमें जाना पड़ेगा भाड़ा। वहाँ से दूध मिल जाता है 2 साल से, तो मैं वहीं से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि दुकानों पर कोई देता ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। तो सारा सीन ये है दूध लेने और काफ़ी फिर बादाम पिस्ता ये सब सब कुछ ले भी आएंगे। आज का यहीं से करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो भाई ये आ गए अभी इस टाइम हमारे बादाम और पिस्ता दोनों। बादाम जो है मेरे ख्याल में 1 पाव के करीब है, पिस्ता जो है तकरीबन 1 चटा। कितना आया ये इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। हाँ तो यार अभी का सीन कुछ ऐसा है कि ना, दूध वूध सब कुछ लेके आ गए, बादाम पिस्ता सब कुछ, यहाँ तक के बना काट पीड़ भी कर डाल भी दिया। और आओ पहले दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो दूध जो है हमारा ये रेडी हो चुका है। बस इसमें अभी सीन ऐसा है कि ना, बर्फ़ जाएगी और ये अभी भी पक ही रहा है, ये अभी भी पक ही रहा है और इसमें अभी जाएगा सिर्फ बर्फ़ और बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। बाकी ये होगा रेडी, इसको डालेंगे कूलर में और लेके जाएंगे नीचे। नीचे आपको दिखाएंगे पाटते हुए। तो भी जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं खुद भी रेडी होना, असल की अजान होने वाली है। से पहले के आसान हो उससे पहले हम खुद भी रेडी होते हैं और इसको भी रेडी कर देते हैं। तो आ जाओ। Thank you.